माँ दुर्गा नर्सरी के तरफ से सभी किसान भाइयों और मेरा प्लान लवर दोस्तों को दिल से स्वागत है। आज कुछ ऐसा 8 डुआ वैरायटी मैंगो प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे जो टेरेस गार्डन में बहुत ही आसानी से हर वेदर में ग्रो होने वाला वैरायटी। तो पहले नंबर पे जिस वैरायटी के ऊपर जानकारी देंगे ये हर जगह पे बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही डिमांडेड वैरायटी है, टेरेस गार्डन में लगाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी है मैंगो का। तो इस वैरायटी का नाम है बैना मैंगो। बैना मैंगो का 2 से 3 कलर का वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। ये जो वैरायटी का प्लांट आप स्क्रीन में देख रही है, प्लांट में फ्लावर लगा हुआ है, सभी प्लांट में लगभग 90% प्लांट में फ्लावर की बार लगा हुआ है। तो इस वैरायटी का नाम है रेड बैना मैंगो। इस वैरायटी का जो फ्रूट का कलर होगा पूरी तरह से रेड होगा, अंदर में जो सीड मिलता है बहुत ही पतला सा होता है, खाने में बहुत ही स्वीटेबल एंड स्वादिष्ट वैरायटी का प्लांट है। इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2.5 फुट से लेकर 3.5 फुट तक मैच्योर ग्राफ्टिंग का आपको प्लांट मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। और जितने सारे वैरायटी का प्लांट हम लोग सेल करते हैं ऑनलाइन में, 70% प्लांट हम लोग खुद मतलब तैयार करते हैं, इसलिए आपको रिजनेबल प्राइस में मैच्योर ग्राफ्टिंग का जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा रेड बैना मैंगो। ए वैरायटी छोड़ के बैना मैंगो का और भी 2 वैरायटी हमारा पास अवेलेबल है। तो कोई भी वैरायटी का बैना मैंगो प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैच्योर ग्राफ्टिंग का आपको प्लांट मिल जाएगा। प्लांट लगाने के बाद आपको लगभग 1 साल के अंदर मतलब सक्सेसफुल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस वैरायटी का प्लांट टेरेस गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा हर वेदर में। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है रेड बैना मैंगो। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे जिस मैंगो वैरायटी प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, टेरेस गार्डन में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा वैरायटी का एक डुआ वैरायटी का मैंगो प्लांट है। इस वैरायटी का नाम है रेड आइवोरी मैंगो। इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है एक मैच्योर फ्रूट का कलर पूरी तरह से रेड होता है, लंबा टाइप का मैंगो होता है, इसका जो सीड मिलता है बहुत ही पतला सा होता है, खाने में बहुत ही स्वीटेबल एंड स्वादिष्ट वैरायटी का मैंगो है। देखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही टेस्टफुल है। तो इस वैरायटी का प्लांट हर वेदर में टेरेस गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है। चाहे इस वैरायटी का प्लांट आप टेरेस गार्डन में बड़ा पॉट में चाहे खेत में लगा सकते हैं, प्लांट लगाने के बाद आपको 1 साल के अंदर फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा। 30% प्लांट में फ्लावर की बार आ चुका है, लगभग 10-15 दिन के अंदर पूरी तरह से फ्लावर में भर जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम इसमें फ्रूट आपको लेना नहीं चाहिए, सेकेंड टाइम से इसमें फ्रूट लेना पड़ेगा। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैच्योर ग्राफ्टिंग का जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा रेड आइवोरी मैंगो। तो इस वैरायटी का प्लांट परचेस करने के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। 2.5 फुट से लेकर 3 फुट तक मैच्योर ग्राफ्टिंग का प्लांट मिल जाएगा रेड आइवोरी का। तो इस वैरायटी का प्लांट परचेस करने के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है रेड आइवोरी मैंगो। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जिस मैंगो वैरायटी प्लांट के बारे में आप लोग जानकारी देंगे, ये बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही डिमांडेड एक वैरायटी है और हर वेदर में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है और टेरेस गार्डन में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा वैरायटी का ड्रॉप वैरायटी का एक मैंगो प्लांट है। इस वैरायटी का नाम है अमेरिकन रेड पाल्मर मैंगो। पाल्मर मैंगो का 2 टाइप का वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, एक रेड पाल्मर मैंगो एक ब्लू पाल्मर मैंगो जो इम्पोर्टेड वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लांट लगाने के बाद आपको 1 साल के अंदर फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा, ये ड्रॉप रहता है, इसलिए टेरेस गार्डन में बहुत ही आसानी से हर वेदर में ग्रो होने वाला वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2.5 फुट से लेकर 3.5 फुट तक मैच्योर ग्राफ्टिंग का आपको मोटा स्टेम वाला प्लांट मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में रेड पाल्मर मैंगो। बहुत ही ईजी मेंटेनेंस का वैरायटी है, हर वेदर में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है और टेरेस गार्डन में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है रेड पाल्मर मैंगो तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है रेड पाल्मर मैंगो। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे जिस मैंगो वैरायटी प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, ये टेरेस गार्डन में लगाने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही डिमांडेड मैंगो वैरायटी है। चाहे इस वैरायटी का प्लांट आप टेरेस गार्डन में बड़ा पॉट में चाहे खेत में लगा सकते हैं, प्लांट लगाने के बाद आपको 1 साल के अंदर सक्सेसफुल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है एक मैच्योर फ्रूट का वजन लगभग 700 से 800 ग्राम तक होता है, थोड़ा लंबा टाइप का मैंगो होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट वैरायटी का मैंगो है और मैच्योर होने के बाद इसका फ्रूट पूरी तरह से रेड कलर का होता है। तो इस वैरायटी का नाम है किंग ऑफ चकापॉट मैंगो, किंग ऑफ चकापॉट मैंगो। तो इस वैरायटी का जो प्लांट अभी हमारे स्टॉक में 2.5 फुट से लेकर 3.5 फुट तक मैच्योर ग्राफ्टिंग का जेन्युइन प्लांट आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में।
तो इस बैटरी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। और जितने सारे बैटरी का प्लान हम लोग ऑनलाइन में सेल करते हैं, लगभग 70% प्लान हम लोग खुद तैयार करते हैं, इसलिए आपको रीजनेबल प्राइस में मैच्योर ग्राफ्टिंग का जेन्युइन प्लान मिल जाएगा। किंग ऑफ चकापत मैंगो, देखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट वैरायटी का मैंगो है, और टेरेस गार्डन में हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस में जेन्युइन एंड मैच्योर ग्राफ्टिंग आपको प्लान मिल जाएगा, किंग ऑफ चकापत मैंगो। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जिस मैंगो वैरायटी प्लान के बारे में आप लोग जानकारी देंगे, ये टेरेस गार्डन में या मिट्टी में लगाने के लिए बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही डिमांडेड एक मैंगो वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है क्यू जाई मैंगो। इसके ऊपर मेरा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, फॉलो कर सकते हैं। इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है, एक मैच्योर फ्रूट का वजन लगभग 600 से 700 ग्राम तक, अगर प्लांट में फ्रूट कम होगा तो लगभग 800 से 900 ग्राम तक होता है। और इसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट का कलर मैच्योर होने के बाद पूरी तरह से रेड होता है, देखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट एंड स्वीटेबल वैरायटी का मैंगो है। तो इस वैरायटी का प्लान अभी जो हमारे स्टॉक में है तो लगभग 2.5 फुट से लेकर 3.5 फुट तक मैच्योर ग्राफ्टिंग का हेल्दी प्लान मिल जाएगा रीजनेबल प्राइस में। और जितने सारे वैरायटी का प्लान हम लोग ऑनलाइन में सेल करते हैं, लगभग 70% प्लान हम लोग खुद तैयार करते हैं, इसलिए आपको रीजनेबल प्राइस में मैच्योर ग्राफ्टिंग का जेन्युइन प्लान मिल जाएगा, क्यू जाई मैंगो। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। 2.5 फुट से लेकर 3.5 फुट तक प्लान मिल जाएगा क्यू जाई मैंगो का, टेरेस गार्डन में लगाने के लिए हर वेदर में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है क्यू जाई मैंगो। नेक्स्ट सिक्स नंबर पे जिस मैंगो वैरायटी प्लान के बारे में आप लोग जानकारी देंगे, ये बहुत ही रेयर एक वैरायटी है, टेरेस गार्डन में लगाने के लिए बहुत ही एक डिमांडेड वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है नाम डॉकमाई श्रीमुआंग मैंगो। तो इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है, फ्रूट का कलर पूरी तरह से पिंक होता है और साइज में भी बड़ा होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट वैरायटी का मैंगो है, और हर वेदर में टेरेस गार्डन में बड़ा पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है। नाम डॉकमाई का सिर्फ ए वैरायटी नहीं है, ए वैरायटी छोड़कर बहुत सारे वैरायटी का, जैसे नाम डॉकमाई व्हाइट, नाम डॉकमाई गोल्डन, नाम डॉकमाई ग्रीन वैरायटी का प्लान हमारा पास अवेलेबल है। मैच्योर ग्राफ्टिंग का प्लान मिल जाएगा रीजनेबल प्राइस में। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2.5 फुट से लेकर 3 फुट तक मैच्योर ग्राफ्टिंग का जेन्युइन प्लान मिल जाएगा रीजनेबल प्राइस में, नाम डॉकमाई श्रीमुआंग। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है। नाम डॉकमाई श्रीमुआंग। इस वैरायटी का जो कलर होता है पूरी तरह से पिंक होता है, खाने में बहुत ही टेस्टफुली और बहुत ही इजी मेंटेनेंस का वैरायटी है, नाम डॉकमाई श्रीमुआंग मैंगो। नेक्स्ट सेवन नंबर पे जिस मैंगो वैरायटी प्लान के बारे में आप लोग जानकारी देंगे, ये बहुत ही टेस्टफुली वैरायटी का और डुआ वैरायटी का एक मैंगो प्लांट है। इस वैरायटी का नाम है गौड़ मोती मैंगो। तो इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है, मीडियम साइज का फ्रूट होता है और फ्रूट का कलर ग्रीन कलर का होता है, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट वैरायटी का मैंगो है। इसका जो सीड मिलता है बहुत ही पतला सा होता है, हर वेदर में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है गौड़ मोती मैंगो। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2.5 फुट से लेकर 3.5 फुट 4 फुट तक आपको प्लान मिल जाएगा रीजनेबल प्राइस में। इसके ऊपर मेरा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, मदर प्लांट के साथ फ्रूट के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो इस वैरायटी का प्लान टेरेस गार्डन में हर वेदर में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है। तो गौड़ मोती मैंगो का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है गौड़ मोती मैंगो। नेक्स्ट एट नंबर पे जिस मैंगो वैरायटी प्लान के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, ये दुनिया का सबसे पॉपुलर, सबसे डिमांडेड एंड सबसे कॉस्टली वैरायटी का मैंगो है। इस वैरायटी का नाम है जापानीज रेड मियाज़ाकी मैंगो। टेरेस गार्डन में बहुत ही आसानी से हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला वैरायटी है ये। इस वैरायटी का प्लान डुआप रहता है, इसलिए टेरेस गार्डन में बहुत ही आसानी से हर वेदर में ग्रो होने वाला वैरायटी है। तो इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है, मैच्योर फ्रूट का कलर पूरी तरह से रेड होता है, देखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही स्वीटेबल एंड स्वादिष्ट वैरायटी का मैंगो है जापानीज रेड मियाज़ाकी मैंगो। तो इसके ऊपर मेरा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, फॉलो कर सकते हैं, जापानीज रेड मियाज़ाकी मैंगो। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2.5 फुट से लेकर 3 फुट तक मैच्योर ग्राफ्टिंग का आपको प्लान मिल जाएगा रीजनेबल प्राइस में, जापानीज रेड मियाज़ाकी मैंगो। तो इस वैरायटी का प्लान परचेस करने के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है जापानीज रेड मियाज़ाकी मैंगो। तो ठीक है, आज के लिए यही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते।